सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर के विशप मंडल कॉलेज के ग्राउंड में रिफ्यूजी तिब्बत मार्केट सज गया है। इस तिब्बत मार्केट में हमेशा की तरह अलग अलग राज्यों से व्यापारी आए हुए हैं, जिनके पास बच्चों से लेकर महिला और पुरुषों के लिए बड़े ही सुंदर नए डिजाइन के सर्दी के कपड़े उपलब्ध हैं। यहाँ मफलर से लेकर सर्दी से बचाव करने वाली शॉल, जैकेट, वूलन स्वेटर, वूलन टॉप, बच्चों के कपड़े, कुर्ती, हुडी और मोजे आदि जमकर बिक रहे हैं। इस बार पुरुषों के लिए तिब्बत बाजार में स्वेटर के डिजाइन में जैकेट मौजूद है, जिसकी इस बार बाजार में काफी मांग है। तो वही युवतियों को वूलन क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्वेटर लुभा रहे हैं। इसके अलावा बाजार में नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए डिजाइनर गर्म कपड़े भी लोगों की पहली पसंद बने हुए। दरअसल दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही तापमान भी गिरने लगा है। इसी के साथ बरेली में हर साल की तरह इस बार भी गर्म कपड़ों का तिब्बत मार्केट भी सज गया है। बाजारों में करीब 25 दुकानें सजी हुई हैं, जिन पर रंग बिरंगे विविध प्रकार की ऊनी स्वेटर के साथ जैकेट, महिलाओं के लिए शॉल, गरम मोजे के साथ लॉन्ग स्वेटर सहित काफी आकर्षक ऊनी आइटम है। बता दें कि शहर में तिब्बत बाजार पहले नगर निगम के पास लगा करता था, जिसके बाद अब यह बाजार विशप मंडल कॉलेज के ग्राउंड में सजने लगा है। दुकानदारों की माने तो इस बार सर्दी देर से आने की वजह से बाजार पर काफी फर्क पड़ा है, साथ ही स्थान बदलने से भी दुकानदारी पर काफी फर्क पड़ सकता है। बात करें कीमतों की तो जैकेट 1200 से 3500 रुपए, हाफ जैकेट 1000 से 1800 रुपए, पुरुष स्वेटर 500 से 1500 रुपए, महिला जैकेट 1000 से 2200 रुपए, कुर्ती 500 से 1600, शॉल 450 से 1200, महिला स्वेटर 400 से 1700 रुपए और बेबी सॉफ्ट जैकेट 800 से 1200 रुपए में बिक रही है। तिब्बत मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि हम हर साल नए नए डिजाइन के कपड़े यहां लाते हैं। इस बार भी जैकेट और शर्ट समेत सभी कपड़ों में नए डिजाइन आए हैं। इस बार शर्ट और स्वेटर में भी जैकेट जैसा ही फर लगा हुआ है, जिससे शर्ट और स्वेटर में जैकेट जैसी गर्माहट मिले। इसके अलावा स्पेशल ब्लेजर आए हुए हैं, जिनकी क्वालिटी अपग्रेड हो गई। वही स्पेशल क्रॉप टॉप को युवतियां काफी पसंद कर रही हैं। वैसे जो है ना 35 साल से दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो है बरेली में है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम हिमाचल से आए हुए हैं। हर जहाँ जो जितना आया हुआ अलग अलग जगह से आया है, कोई साउथ से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई देहरादून से आया, हर जगह से आ रहा है। इस बार कपड़ों में क्या नया है? कपड़ों में जो है ना जैकेट में भी अलग अलग आइटम होता है, उसका फेवल क्योंकि क्वालिटी भी चेंजिंग है। फिर शर्ट में भी अलग अलग चेंजिंग आया हुआ है, पहले जो ज़्यादा शर्ट नहीं चला था, इस बार जो है ना शर्ट के अंदर जो फर बना हुआ है जी, नया आया हुआ है जी। और लेदर में भी ऐसे, पहले तो जो अंदर फर नहीं लगा है, अभी इस समय जो फर भी है जी, जी। जो ज़्यादा ठंड होगा तो उसमें भी फायदा है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये स्वेटर में भी बहुत स्पेशल आया था, पहले ऊन का आता था, अभी उसमें जो है ना फेदर टाइप का आ रहा है, जो थोड़ा बाल जैसे है देखने में, है ना, थोड़ा सा इसमें बहुत चेंजिंग है। पहले ज़्यादातर जो है ना ऊन का आता था, अभी थोड़ा चेंजिंग हो गया है। हर साल वैसे है ना आइटम जो है ना चेंज होते रहता है, नया नया आइटम आता है, जैसे कस्टमर भी पूछता है नया आइटम चाहिए, नया आइटम हर साल नया आइटम आता है, पुराना एक साल दो साल का है तो है, फिर भी ज़्यादातर तो नया है। अच्छा, कितने रुपए से स्टार्टिंग होगी? अगर कि जर्सी में देखो 6.5-6.5 से स्टार्ट होता है, 1250 इतना में। हाँ जी, सबसे महंगा आइटम कहाँ? महंगा जो जैकेट का होता है 2800, अगर कि 2200-2300 ऐसे भी है। मेरे को तो 30 साल हो गए, लेकिन मेरे से भी पुराने लगाने वाले हैं यहाँ पे जी। जी, इस बार क्या स्पेशल आया है? इस बार मैम लेडीज ब्लेजर आए हैं, और थोड़ा सा क्वालिटी अब अपग्रेड हो गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा सा यंग जनरेशन थोड़ा फैशनेबल पहनना पसंद करती है, तो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। शुरुआत ऐसी होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है। वैसे तो आपको 900 का भी स्वेटर मिल जाएगा, 1200-1300 का भी स्वेटर मिल जाएगा, ऐसे ही लेडीज़ में भी ऐसे ही है, मिनिमम वही है 800-900 समथिंग से शुरू होता है। स्पेशल क्या है? लेडीज़ ब्लेजर्स, और क्या बोलते हैं, क्रॉप टॉप बोलते हैं शायद, ब्लेजर में क्रॉप ब्लेजर्स, वैसे ही है।